मिशन 2019 के लिए कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी ने जन आवाज घोषणा पत्र जारी किया है, जिसकी टैगलाइन दी गई है, हम निभाएंगे। वैसे तो जीत हासिल करने के लिए फाइनल में कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में कई सारे वादे किए हैं, लेकिन आइए हम दिखाते हैं कांग्रेस मैनिफेस्टो के इस घोषणा पत्र में से पांच बड़ी बातें, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से कई लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान किया गया है, लेकिन दोनों ओर से कई ऐसी योजनाओं का ऐलान किया गया है जिनका असर गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसी कड़ी में 2019 की चुनावी लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र यानी जनावाज जनता के सामने रख दिया है। आइए हम आपको बताते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो की पांच वो बड़ी बातें जो कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकती हैं। पहली खास बात, सबसे पहले और सबसे बड़ी घोषणा, गरीबी पर वार 72,000। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में पहला ऐलान किया कि देश के 20% गरीबों को एक साल में 72,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 5 साल में उन्हें 3,60,000 रुपए तक दिए जाएंगे। इस योजना को न्यूनतम आय योजना यानी न्याय भी कहा गया है। दूसरी बात, दूसरा सबसे बड़ा ऐलान किया है, अलग से किसान बजट। राहुल गांधी ने कृषि प्रधान देश में पहली बार किसानों के लिए अलग बजट बनाने का वादा किया है, ताकि MSP समेत सभी जानकारियां किसानों तक आसानी से पहुंच सके और उन्हें सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। तीसरी बात, कांग्रेस ने तीसरा सबसे बड़ा ऐलान किया है कि कांग्रेस यदि सत्ता में आई तो असली GST लाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि हम गब्बर सिंह टैक्स को हम GST में बदलेंगे और असली GST लाएंगे। उन्होंने कहा कि 5 टैक्स को हम सिंपल करेंगे, इससे सिस्टम और भी सरल होगा। चौथी बात, वही चौथा सबसे बड़ा वादा रोजगार के क्षेत्र में किया गया है कि हम खाली पद भरेंगे। जी हां, कांग्रेस ने युवाओं के मद्देनजर देश भर में खाली 22,00,000 सरकारी पदों को भरने का ऐलान किया है। राहुल ने कहा कि यह पद मार्च 2020 तक भर दिए जाएंगे। GDP का 6% शिक्षा पर खर्च होगा। जी हां, कांग्रेस का पांचवा सबसे बड़ा वादा शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए GDP का 6% धन खर्च किया जाएगा। इसके तहत स्कूल, कॉलेज और नए संस्थानों को स्थापित किया जाएगा। पांचवी बात, फिलहाल दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस न्याय के दम पर आगे बढ़ रही है, तो वहीं BJP ने एक बार फिर अपनी पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया है। ऐसे में जनता किसके वादे पर मुहर लगाएगी, यह तो आने वाला कल बताएगा। बहरहाल कांग्रेस के ये पांच बड़े वादे सत्ता में वापसी का रास्ता साफ करेंगे, यह भी चुनाव परिणामों से स्पष्ट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल। कि अगर नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे सकता है जेब में, पॉकेट में डायरेक्ट, तो कांग्रेस पार्टी 20% गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। नैरेटिव सेट है, 72,000 गरीबों पर वार 72,000, ये नैरेटिव है। अब इसका शॉक इफेक्ट लगा, जैसे धमाका बोलता है ना, फटता है, तो नरेंद्र मोदी जी को शॉक इफेक्ट लगा और नरेंद्र मोदी एक के बाद एक किसी ना किसी चीज के पीछे छुप रहे हैं। मगर देश का प्रधानमंत्री देश की सच्चाई से नहीं छुप सकता है। देश की सच्चाई है कि देश में बेरोजगारी है। देश की सच्चाई है कि देश का किसान तड़प रहा है, जी नहीं पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। देश की सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था अच्छे दिन की, मगर चौकीदार ने चोरी करवाई है। यह सच्चाई है और यह नैरेटिव है देश में। और भैया देखिए, एक बात है, चौकीदार छुप सकता है मगर भाग नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की सच्चाई सामने है, देश के सामने है। नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स दिया, किसी भी छोटे दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी मिडिल साइज स्मॉल बिजनेस वाले से पूछ लीजिए, आपको बताएगा हमसे पैसा छीना, अनिल अंबानी को दिया है। सिंपल सी बात, तो ये नैरेटिव है।